हाय एवरीवन, मैं हूँ पूजा। आप देख रहे हैं पूजा स्टाइल कॉर्नर। तो लॉकडाउन में मैं अपने आप को कैसे बिजी रख रही हूँ, मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये एक छोटी सी बर्ड आपको दिख रही होगी मिट्टी के विंड चाइम पर, ये डेली मेरे गार्डन में आती है। मैंने इसके लिए यहाँ पर दाना और पानी रखा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ इसके लिए एक नेस्ट में एक बना देती हूँ। कुछ टाइम पहले जो है हम लोग नारियल लेकर के आए थे नवरात्रि में, तो मैंने उसके छिलके जो है संभाल करके रख लिए थे, क्योंकि ये खाद के रूप में भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैंने सोचा इसी का मैं जो है बर्ड के लिए नेस्ट बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये धागा लिया है और कुछ इसे जो अलग अलग छिलके हैं उनको जोड़ करके मैं घोंसले का रूप देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जो है मैं इसके ऊपर धागा लपेट लूँगी, जिससे कि एक शेप क्रिएट हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं जो है फेविकोल भी यूज़ करूँगी। फेविकोल से क्या होगा, ये आपस में चिपक जाएगा और साथ में हम इसके ऊपर जो है धागा लपेट देंगे, जिससे कि एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा। अब मैंने इसको अच्छे से फेविकोल चिपका दिया पीछे की साइड भी, और अब ये जो गेप दिखाई दे रही है यहाँ पर मैं जो है एक्स्ट्रा जो छिलके हैं उनको चिपकाना स्टार्ट करूँगी फेविकोल का यूज़ करके। और मैंने इस तरीके से चिपका दिया है। और पूरे नेस्ट के ऊपर मैंने इस तरीके से ये धागा लपेट दिया है, जिससे कि ये जो हमारे छिलके हैं यह आपस में अच्छे से जॉइंट हो जाएंगे और निकल के नहीं जाएंगे। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए जो नेस्ट है वो ड्राई हो चुका था। फिर मैंने उसको जो है नीचे की साइड से इस तरीके से लंबा एक छिलका लिया है, जिससे कि वो नेस्ट की तरह लगे, और नीचे से इस तरीके से चिपका दिया और ऊपर से भी चिपका दिया और धागा लपेट करके रख दिया था। अब ये प्रॉपर हमारी एक शेप में आ चुका है। ये मैंने एक नेस्ट की शेप में ऊपर की तरफ और ये डाउन साइड में मैंने इस तरीके से दो छिलके यूज़ कर लिए, जिसको कि धागे से मैंने अच्छे से टाइट बांध दिया था, फेविकोल से चिपका दिया था। अब जो है फाइनल एक टाइम आता है कि इसको गार्डन में हैंग किया जाए। मैं मेरे हस्बैंड से इसको हैंग करवा रही हूँ यहीं पर जो है, क्योंकि बर्ड आती है दिन में एक बार, बर्ड आती ही है मेरे गार्डन में। और ये नेस्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को थैंक यू सो मच। और मुझे ज़रूर बताइएगा ये जो नेस्ट है वो आप लोगों को कैसा लगा। एंड डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। कुछ नया नया ट्राई कीजिए, लॉकडाउन में अपने आप को इस तरीके से बिज़ी रखिए।